हेलो एवरीवन, चलिए बनाते हैं कस्टर्ड। लेकिन लॉकडाउन है, अगर कस्टर्ड पाउडर पास में ना हो तो किस तरह से बनाएंगे कस्टर्ड, ये आज जानेंगे। घर में ही बनाकर देखेंगे कस्टर्ड पाउडर और उसी से बनाएंगे कस्टर्ड। साथ ही आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि कस्टर्ड पाउडर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकें, और जानेंगे ये कि एक्सपायरी डेट के बाद कस्टर्ड पाउडर का क्या करें। साथ ही छोटे छोटे टिप्स और भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर बनाते हैं घर में। यहाँ पर सबसे पहले कस्टर्ड की मिठास के लिए हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी लेंगे। ध्यान रहे कि अगर इस तरह का टेबल स्पून नहीं है तो मेज़रमेंट के लिए कोई एक स्पून ले लें और उसी से सारा मेज़रमेंट कर लें। अब मिल्क पाउडर लेना है यहाँ पर, तो हम लेते हैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर का क्रीमी इंग्रेडिएंट है। अगर मिल्क पाउडर भी ना हो तो इसे भी स्किप कर दें और थोड़ा ज़्यादा दूध लेकर उसे गाढ़ा करके कस्टर्ड बनाएं, या बची हुई मलाई आखिर में डालें। इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर को मैदे से रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी हम 2.5 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। चलिए, तो अब हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब कस्टर्ड में एक अच्छा सा कलर डालने के लिए हम यहाँ पर एडिबल कलर यूज़ करेंगे, बस एक चुटकी। इतना काफ़ी है। और इसमें वेनिला का एसेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने वेनिला एसेंस रखा हुआ है, कुछ ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के। अब इसे हम चर्न कर लेंगे, तो मिक्सी में इसे 2-3 बार रुक रुक कर घुमा लेते हैं ताकि सब कुछ मिलकर एक पाउडरी शक्ल में आ जाए। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने इसे चर्न कर लिया है और ये बहुत अच्छा सा हमारा कस्टर्ड पाउडर बनकर रेडी हो गया है। तो आज मैं इसी से कस्टर्ड बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए 2 टेबल स्पून हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे और उसे रूम टेम्परेचर वाले पानी से घोल लेंगे। इसे नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी या दूध से ही घोलना चाहिए, और कभी भी कस्टर्ड पाउडर को डायरेक्ट उबलते हुए दूध में नहीं डालना चाहिए, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे घोल लेना है। इसे लगातार चलाते हुए घोल लें और देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। ठंडे पानी में इसकी सारी गुठलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक थिक बॉटम कढ़ाही लेंगे और इसमें दूध को डाल लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास 1/2 लीटर सुधा का टोंड मिल्क है। आपके पास अगर फुल क्रीम दूध हो तो वो इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, उससे आपका कस्टर्ड ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अब इसे आग पर चढ़ाकर हमें गरम कर लेना है। अब कस्टर्ड में जो फल डाले जाने वाले हैं उसे मैंने उस डिश में डाल रखा है जिसमें मुझे कस्टर्ड सर्व करना है। तो यहाँ पर आप केला, संतरा या और भी कुछ डाल सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन में फलों की वैरायटी मिलना मुश्किल है, इसलिए जो अवेलेबल है वही डालना काफ़ी होगा। अब दूध में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा देर, 5 मिनट इसे और उबल जाने दें ताकि थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए। तो दूध 5 मिनट से गाढ़ा हो रहा है और अब ये कस्टर्ड डालने के लायक हो चुका है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डालेंगे, इसलिए कि चीनी जो हमने डाला है कस्टर्ड में वो तो बहुत ही थोड़ा सा चीनी इसमें आएगा, तो लगभग 2 टेबल स्पून इसमें हमने चीनी और डाल दिया है। और कुछ फलों की भी मिठास होगी तो चीनी को घुल जाने देना है। तो अब जो हमने कस्टर्ड का घोल तैयार किया था वो इसमें शामिल कर लें और इसे लगातार चलाते रहें। अगर हमने इसको चलाना छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी और कस्टर्ड बर्बाद हो जाएगा। चम्मच हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और आँच को हमने धीमी से थोड़ा सा ऊंचा रखा है, धीमी आँच पर किसी चीज़ को मैनेज करना आसान होता है। तो अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर है तो उसे एयर टाइट जार में रखें, और बेहतर ये है कि आप उसे फ्रीज़र में डालकर रख छोड़ें ताकि आपका कस्टर्ड पाउडर जल्दी ख़राब ना हो। अब अगर आपने उसे इस्तेमाल बहुत कम किया है तो जाहिर है कि वो रखे रखे ही एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आपके कस्टर्ड पाउडर की एक्सपायरी डेट आ चुकी है तो उस कस्टर्ड पाउडर का क्या करना है? बड़ा अफसोस होता है कि रखे रखाए ही ये एक्सपायरी हो गया। तो ऐसे पाउडर कस्टर्ड पाउडर को आप निकाल कर देखें, उसे सूंघ कर देखें, अगर उसका स्मेल अच्छा है तो आप उसे थोड़ा सा चख लें। अगर चखने में उसका मज़ा फीका नहीं लगता या उसमें कोई कड़वाहट नहीं लगती तो समझिए कि अभी वो इस्तेमाल करने के लायक है। अब आप उसे इस्तेमाल करके जल्दी से ख़त्म कर लें। 6-7 मिनट तक पकने के बाद ही अब इसमें गाढ़ापन आ रहा है, और हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा या टाइट नहीं करना है वरना आपका कस्टर्ड बिल्कुल रबड़ी सा हो जाएगा, और ना इसे बहुत लिक्विडी रखना है। ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद थोड़ा और थिक हो जाएगा। लगभग 8 मिनट में हमें कस्टर्ड की ये कंसिस्टेंसी मिल गई है, और इसमें बहुत ज़्यादा कस्टर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहिए, ना ही उसे बहुत जल्दी जल्दी गाढ़ा हो जाना चाहिए वरना कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। तो अब फ्लेम कर देना है बंद और कस्टर्ड के ठंडा होने का वेट करना है। दोस्तों जब भी इसे ठंडा होने के लिए छोड़ें तो चम्मच हिलाते रहें, नहीं तो इस पर एक पपड़ी सी आ जाएगी, छाली सी आ जाएगी, जो अच्छा नहीं लगता है। अब अगर आपके पास घर की मलाई है तो इसमें 2-3 चम्मच घर की गाढ़ी मलाई डाल दें फेंटकर, नहीं तो अमूल की ये फ्रेश क्रीम मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून। इससे आपके कस्टर्ड में बहुत अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसे मिला देना है। देखिए आप आज मेरे तरीके से कस्टर्ड बनाकर देखें, बहुत ही लाजवाब बनेगा, और ये कस्टर्ड इतना मज़ेदार बनेगा कि आप बाहर से पैसा लगा के कस्टर्ड पाउडर लाना ही भूल जाएंगे। ये लॉकडाउन में बनाकर खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब अपने तैयार कस्टर्ड को हम इस फ्रूट्स के ऊपर डालते हैं। कस्टर्ड में कभी भी रसदार फल ना डालें वरना आपका कस्टर्ड लिक्विडी हो जाएगा। इसमें लोकल और सीजनल मौसमी फल ही डालें तो ये ज़्यादा हेल्दी होगा। आम और सेब, अंगूर इसमें बहुत अच्छा जाता है, केले से भी इसका रंग बदल जाता है। हल्का सा इसे मिला देना है, और बस देखिए ये रेडी हो गया। अब इसे सेट करने के लिए फ्रिज में डाल दें, 2-3 घंटे में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लाजवाब और ज़बरदस्त मज़ेदार, बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम खर्चे में, अपने बजट में। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।